अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद हेल्प हाउस नए चैनल के साथ नई वीडियो लेके हाजिर हुआ है। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा नया चैनल है। इसमें मैं हर तरह की सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, और इसके अलावा यूट्यूब या दीगर मोबाइल वगैरह की छोटी मोटी वीडियोज भी मैं इस पर अपडेट करता हूँ, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको नई चीज सीखने में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मोबाइल वगैरह में कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये IT ऑनलाइन IT सोल्यूशन के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पे हर तरह की नेटवर्किंग, मोबाइल्स की इंफॉर्मेशन, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह की हर तरह की इंफॉर्मेशन यहां इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब सऊदी गवर्नमेंट नया गैर मुल्कियों के लिए कौन से वो प्रोफेशन है जो मजीद ऐड करेगी, जिनके काम रिन्यू नहीं होंगे। दोस्तों वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, जो है काफ़ी टाइम से काफ़ी प्रोफेशंस थे जिनके काम रिन्यू नहीं होते थे, कुछ ऐसे मेन प्रोफेशन थे लेकिन बहुत कम थे। अभी जो है जो टाइम गुजर रहा है, प्रोफेशन भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेशन कर दिए हैं जो बंदों की सोच में भी नहीं है, और जो है उन पे इकामा रिन्यू नहीं हो रहा। बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आती हैं कि मेरे पास डिप्लोमा नहीं है, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं इकामा रिन्यू करने के लिए भेजा है, उन्होंने कहा जी अपनी डिग्री लाओ, डिप्लोमा लाओ, इसका अटेस्टेड जो है सऊदी कौंसल वगैरह से, पाकिस्तान से टेस्ट होना चाहिए, तो फिर आपका इकामा रिन्यू होगा। तो इस सूरत में जी हम क्या करें? अब आपकी कंपनी का GRO PRO या आपका कफील जो भी है, जो आज़ाद से या जो है सऊदी कौंसल से कंफर्म करेगा कि उसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है, जहां जिस कंपनी में आप काम करते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका इकामा जो है रिन्यू होना मुश्किल हो जाएगा, और जो है अब वो बात भी ख़त्म हो गई है कि इकामा प्रोफेशन जो है चेंज कर लें। अभी कुछ बंदों ने गालबन 2-3 महीने मेरा हाल हो गए होंगे इसी के अप एंड डाउन प्रोफेशन इकामा के चेंज होना, आपको पता है बंद हो गए होंगे। मैंने वीडियो भी जो है वो अपलोड की हुई है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो डाले हुए कि प्रोफेशन इकामा के अब चेंज नहीं होंगे, जो मर्जी आप कर लें। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि पैसे देता हूं मैं, आप इकामा प्रोफेशन चेंज करवा के मैं आपको देता हूं, उसको बोलो बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री हूं, तुम्हें ये पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इकामा प्रोफेशन चेंज करवा के मेरे हाथ में दो, फिर जो पैसा है वो मैं आपको देता हूं, ठीक है। अपने पैसे मत फंसाइएगा क्योंकि इकामा प्रोफेशन चेंज नहीं हो रहे। ये एक जो है ज़रूरी बात सी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में ये बताई हुई है। तो अब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके कामे अभी भी रिन्यू नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने काफ़ी कॉल्स दोस्तों की रिसीव की हैं, सर्वेयर और कोई शायद लेबॉरेटरी टेक्नीशियन था, और उसके बाद लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के 2-3 बंदे ने मुझे कॉल किया जी हमारे ये प्रोफेशन है कामे रिन्यू नहीं हो रहे, हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि अब एक ने तो मुझे कहा जी कि एक बंदा कह रहा है 2000 रियाल ले के मैं चेंज कर दूंगा इकामा प्रोफेशन, तो अगर वो चेंज कर दे तो क्या मेरा इकामा हो जाएगा। मैंने कहा भाई अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि पैसा लेके मैं चेंज कर दूंगा, उसको बोलिए बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया आपको, करिए, मैं आपको पैसा दूंगा, मुझे इकामा हाथ में पकड़ाओ चेंज करके, फिर मैं आपको पैसा दूँ। बेशक कोई भी बंदा है, याद रखिएगा अपने पैसे मत फंसाइए, बहुत बंदों ने इकामा का प्रोफेशन चेंज करने के लिए पैसे फंसाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो 2-3 मैंने आपको प्रोफेशन बताए, इनकी तो ऑलरेडी मुझे कॉल आ चुकी है कि इनका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये जो मैं आपको कुछ मैंने बताने जा रहा हूँ, 20-25 मैंने हैं जो मेरी नज़र में आए हैं, मुझे पता चले हैं, मैंने रिसर्च में इनको तलाश किया है, मुझे मैसेज आए हैं, या जो मेरे कफील मंदूब या जो भी हमारा बंदा है, हमारा मंदूब जो GRO PRO का सारा काम करता है, उसने जो बताए हैं, कुछ मुझे जो मिले हैं, मैं आपको अरबिक और इंग्लिश में बताता हूँ, जितनी मेरी अरबिक है मैं उतना आपको बताऊँगा, थोड़ा बहुत मैंने ट्रांसलेशन भी की है, ठीक है। तो इन मेनू वाले जो बंदे हैं, याद रखिएगा, ये मत समझिएगा जो मैं बता दूंगा कहानी ख़त्म हो गई, बाजी अब हो गई नहीं, ये मैं एहतियातन आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे
मतलब है तकरीबन समझ ले 90% ये बंदों ने इन्फॉर्मेशन दी है या जिस जिसने मुझे बताया कि ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन आप काम करिए अल्लाह का नाम लेके, शायद आपके काम एक्सपायर होने तक कोई नया रूल आ जाए, कोई अच्छा सिस्टम बन जाए, मतलब है कामा प्रोफेशन चेंज होना शुरू हो जाए या कोई इस तरह का निज़ाम चल जाए कि बचत हो जाए। ये नहीं कि आज मैंने आपको बताया और कल आप बोले बाजी खत्म हमारी तो नौकरी खत्म होगी, काम छोड़ के बैठ जाए, ये कभी भी मत करिएगा। मैं एहतियातन दोस्तों भाइयों को बता रहा हूँ, देखें अगर आपको एडवांस में पता चलेगा आप कोई ना कोई उसका हल निकालेंगे, कुछ ना कुछ आप मजीद रिसर्च करेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे इंप्लीमेंट अगले साल से होगा इन पे जो मैं बता रहा हूं या क्या होगा, मेरे ख्याल से जिन जिन बंदों के कामें एक्सपायर हो रहे हैं ना इन प्रोफेशन के, उनके लिए अब मसला बनता जा रहा है। ठीक है, तो एक तो दोस्तों अकाउंटेंट है, ठीक है, मुहासिब जिसे कहते हैं, मुहासिब का अकाउंटेंट का अकाउंटेंट के तीन चार प्रोफेशन होते हैं जिनके ये कामें जो है वो रिन्यू नहीं होंगे। एक देखें फाइनेंस मैनेजर होता है, रईस अल हिसाबात जिसे कहते हैं, वो भी अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, अकाउंटेंट भी आपको पता है, चीफ अकाउंटेंट होता है जिसे महासब अवल कहते हैं, इसी तरह सीनियर अकाउंटेंट होता है जिसे महासब अवल कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया मेरी जितनी अरबिक है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। ये चार प्रोफेशन यानी अकाउंटेंट से रिलेटेड हैं जो सुनने में आ रहा है कि ये रिन्यू नहीं होंगे। महासिब का पहले भी था थोड़ा बहुत लफड़ा, हर बंदे का महासिब का मैना नहीं होता था, वो सिर्फ सऊदियों के लिए मुंतखब थे जैसे मैंने आपको बताया, ये पहले भी कुछ मैने थे। सेक्रेटरी है, इसका मैना चेंज होना मुश्किल हो जाएगा। अब सेल्समैन में तीन चार प्रोफेशन ऐसे हैं सेम सेल्समैन के जो चेंज नहीं होंगे। सेल्समैन यानी बाया इसको कहते हैं अरबिक में, सेल्स असिस्टेंट है, ठीक है, इसका भी मैंने चेंज नहीं होगा। सेल्समैन, सेल्स असिस्टेंट, मसा मुबायात जो है सेल्स असिस्टेंट को कहते हैं। उसके बाद आपका सेल्स से रिलेटेड जो है और जो मैना है सेल्स मैनेजर का है। ठीक है, अगर आप सेल्स मैनेजर हैं या सीनियर सेल्स मैनेजर हैं, मुदीर अल मुबायात। उसके बाद सेल्स सुपरवाइजर, ठीक है, मशरफ मुबायात, मुशर्रफ सुपरवाइजर को कहते हैं, और मुबायात सेल्समैन या सेल्स मतलब है इसको कहते हैं। अब ये चार पांच प्रोफेशन जो थे ये सेल्समैन के हैं जो चेंज नहीं होंगे, सॉरी जिन पे कामा रिन्यू नहीं होंगे, और मैंने तो चेंज वैसे भी नहीं हो रहे, बार बार मेरे मुंह से मैन चेंज नहीं होंगे निकल रहा है, एक काम में रिन्यू नहीं होंगे याद रखिएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद इदारा। ये दोस्तों जब से मैं 12-13 साल 11-12 साल मुझे सऊदी अरब में हो गया, शुरू से ही मैं देख रहा हूँ महासिब का भी और ये इदारा एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसके शुरू से ही सऊदियों के लिए ये प्रोफेशन मुंतखब है, फॉरनर्स के लिए ये नहीं थे, और अभी तो इन पे जो है बिल्कुल कानून भी का आ जाएगा बिल्कुल ही रिन्यू जो है नहीं होंगे। पहले तो कुछ बंदे करवा लेते थे डॉक्यूमेंट्स दे के, लेकिन अभी थोड़ी सख्ती हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है, ये भी इससे जो है मिलता जुलता है, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, इदारा मुदीरुल इदारा यानी जिसे कहते हैं तकरीबन। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स जो है मुदीर अल मवार्द अल बशरिया इसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी मैनेजर, इसका भी जो है वो नहीं होगा। ये तीन चार कैटेगरी जो हैं एक ही टाइप की हैं। मेरे ख्याल से असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका भी नहीं होगा, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं होगा जहां तक मैंने रिसर्च किया, क्योंकि आप देखें ना सेल्स असिस्टेंट्स या इस तरह मैंने आपको दूसरे जो बताए हैं इसी तरह ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोफेशंस आते हैं उनके लिए थोड़ा मसला बनेगा, वो रिन्यू नहीं होंगे। ठीक है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, या सीनियर एडमिन मैनेजर या इस तरह जो मतलब है आता है प्रोफेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके लिए मसला बनेगा। ऑफिस बॉय है उसके बाद, ठीक है, ऑफिस बॉय मोबी अल मकतब, सभी अल मकतब जिसे सॉरी कहते हैं मेरे ख्याल से अरबिक में, ठीक है, ऑफिस बॉय ये भी नहीं होगा।
ऑफिस मैनेजर मुदीरुल मकतब जो होता है वो भी जो है नहीं होगा रिन्यू, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ दोस्तों ने ड्राइवर्स का बताया, लेकिन ड्राइवर्स का श्योर नहीं है, मेरे ख्याल से ड्राइवर का कोई इशू नहीं होगा, ड्राइवर्स का जो है अपना रिन्यू हो जाएगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, आपको पता होगा रिसेप्शन जिसको हम कहते हैं होटलों में, अस्पतालों में या यूनिवर्सिटियों में या दीगर ऐसी जगहों पे जब हम एंट्री लेते हैं तो रिसेप्शन के बंदे जो मालूमात देते हैं, इंक्वायरी काउंटर भी जिन्हें कहते हैं, वहां जो बंदे होते हैं उनके जो मिलते जुलते मैंने हैं, मौजफ अल इस्तकबाल जिसे कहते हैं, रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। मदीर उल मस्तौदा वेयर हाउस जो होता है, वेयर हाउस का वो भी मतलब है वेयर हाउस मैनेजर चेंज जो है वो नहीं होगा मदीर उल मस्तौदा। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ये राफाल शोकिया इसे कहते हैं। लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, लॉजिस्टिक जो साइट पे प्रोजेक्ट्स पे या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे लॉजिस्टिक यानी देते हैं, यानी उनको लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो होता है वो लॉजिस्टिक सुपरवाइजर जो है, मुशर्रफ अल खिदमात अल लॉजिस्टा शायद यही करके कहते हैं। तो इसी तरह लॉजिस्टिक मैनेजर भी शायद होगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे उसका लॉजिस्ट, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट मुझे कंफर्म है, इसलिए मैं आपको नाम ले लेके बता रहा हूँ। लेकिन इसी तरह सर्वेयर का मैंने आपको बताया, सर्वेयर असिस्टेंट भी शायद इंक्लूड होगा, मसा और रादी कहते हैं सर्वेयर को, ठीक है। लैंड सर्वेयर हो गया, सर्वेयर हो गया, असिस्टेंट सर्वेयर हो गया, ये भी प्रोफेशन प्रोफेशन के इकामे जो है रिन्यू नहीं होंगे। क्लर्क मौजफ किताबी जो क्लर्क होता है ऑफिस में, फाइल्स कॉपी फोटोकॉपी करने वाला या इस तरह जो क्लर्क्स होते हैं उनके भी इकामा रिन्यू में प्रॉब्लम्स होंगी। सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों, हार्सल अमन जिसे कहते हैं, ये भी शुरू से मैं देख रहा हूँ, इसका मैंने भी सिर्फ सऊदियों के लिए, तो ये मैंने भी इनके लिए है। सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है, सेफ्टी सुपरवाइजर या ऑफिसर जाब्तुल अमन जिसे कहते हैं, ये भी मैं शुरू से सुन रहा हूँ कि ये प्रोफेशन भी सऊदियों के लिए हैं, इन पे भी इकामा रिन्यू नहीं होता, इकामा बनता भी नहीं है इन पे। तो अब वल्ला आलम इन पे अब क्या करेंगे, ये भी खतरनाक प्रोफेशन है। उसके बाद टाइप राइटर जो है, आलातुल कातिबा जिसे कहते हैं, टाइप राइटर मतलब टाइपिंग जो करते हैं, वो भी जो है जिसका मैना है उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी। इसी तरह टूरिज्म एजेंसीज हेड्स जो होता है मैनेजर, यानी के जो एयरलाइन टिकटिंग करते हैं हेड, उसका भी जो है शायद प्रॉब्लम हो, उसका भी रिन्यू जो है नहीं होगा। तो ये दोस्तों चंद मैंने मेरी नज़र में आए थे, मुझे पता चले हैं, मैंने आगे पीछे से रिसर्च करके जो है मुनासिब समझे आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अल्लाह का नाम लेके लगे रहें। जाहिर है अगर आप कंपनी में हैं तो ये आपका मसला नहीं है, इकामा रिन्यू करना ये उनका मसला है, कंपनी ने करवाना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब अगर वो कहते हैं कि इस महीने का आपका इकामा है तो हमें डिग्री डिप्लोमा जो है वो दो ओरिजिनल, देखिए कभी भी फेक डिप्लोमा फेक जो है ये मत दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स ये स्ट्रिक्टली जो है आपके खिलाफ एक्शन होगा और आप फंस जाएंगे बुरी तरह। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड मत करिएगा इन लोगों को। पाकिस्तान में एक दो बंदों के साथ ये केस हुए हैं जो मुझे पता है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग बड़े बेचारे बुरी तरह फंसे हैं, काफ़ी पैसा भी दिया उन्होंने लेकिन कोई उसका वो हल नहीं निकला। तो ये काम मत करिएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारा इकामा रिन्यू ना हुआ इस प्रोफेशन का तो हम क्या करेंगे। देखिए तवक्कल अल्लाह, रिजक अल्लाह पाक देता है, एक दरवाज़ा बंद होता है 100 खुल जाते हैं। तो रिजक आपको ऐसे ढूंढता है जैसे हमको ऐसे ढूंढता है जैसे मौत जो है इंसान को तलाश करती है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो भी करेगा बेहतर करेगा। अगर आपका मैना चेंज नहीं होता तो फिर आपको खुरूज ही जाहिर है जाना पड़ेगा, या आपके अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं तो फिर तो इतना मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इस पे सही तरीके से कानून जो है लागू नहीं हुआ और ना ही इन सब प्रोफेशंस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रोफेशंस पे इनमें से आ रही है, शायद बाकी जो हैं ये आने वाले वक्त में आए,
ठीक है, जिन जिन बंदों के ये प्रोफेशन है वो अभी से छानबीन करनी शुरू करें, कफील से पूछें, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं आपके वहाँ से पूछें, पूरा जो है चेकिंग करें, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप फ्यूचर प्लानिंग कर लेंगे, आप प्लान बी तैयार कर लेंगे आगे क्या करना है, कि अगर अल्लाह ना करे चेंज ना हुआ, आपने यहाँ पे 2 नंबर तरीके से रहना है, काम करना है या घर जाना है या पैसा दे के चेंज करवाना है या क्या हल इसका निकालना है। देखें, ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को एडवांस पता चले और आप मोहतात रहें, अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत से बचाए और आपके ये जो प्रोफेशंस का मसला आ रहा है इसका अल्लाह हल निकाले हमारे लिए और बेहतरी फरमाए। तो बाकी दोस्तों, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, कभी भी पैसा पहले दे के प्रोफेशन चेंज करवाने की कोशिश मत करिएगा, आप बुरी तरह फंस जाएंगे। पैसा कहीं भी मत दीजिए पहले, बहुत बंदे परेशान हैं, पैसा फंसा के बैठे हुए हैं आजकल। आपको पता है कि अगर आप केस वगैरह भी करते हैं लेबर ऑफिस में, इसके लिए मैं अलग तफसीलन वीडियो बनाऊंगा, वैसे मैं बताता चलूँ, इसी वीडियो में ऐड करता चलूँ कि 2-2 3-3 महीने का टाइम मिल रहा है। मैं दोस्तों को यही कहता हूँ, भाई कोशिश करो मसला प्यार मोहब्बत से हल हो जाए, क्योंकि अगर केस करोगे तो ख्वार होना पड़ेगा, परेशानी काटनी पड़ेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ और जो है आपको नई नई चीज़ें इसमें मिलती हैं, नई नई इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहती हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फी मान अल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।